हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरूके के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 17 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है पेशावर जालमी और कराची किंग्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 1 मार्च को इंडिया टाइम के साथ शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का, टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ है। तो रिसेंटली अगर पेशावर जालमी की बात करें तो जहां 5 में से 3 मैच हार के आ रही है, तो ही 2 मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स का भी लगभग इक्वल देखने को मिल रहा है। ये भी 5 में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच जीत के आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम फॉर्म। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे पेशावर जालमी 7 मैच जीत के आ रहे, तो वहीं कराची किंग्स 3 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे पेशावर जालमी आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे पेशावर जालमी का 60% देखने को मिल रहा है, तो वहीं कराची किंग्स का 30% देखने को मिल रहा है। वहीं अवे स्कोर की बात करें तो पेशावर जालमी का 177 है, तो वहीं कराची किंग्स का 173 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पेशावर जालमी का 206 है, तो वहीं कराची किंग्स का 197 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो पेशावर जालमी का 154 है, तो वहीं कराची किंग्स का 143 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी लगभग दोनों का इक्वल देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे थोड़ी सी पेशावर जालमी की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब आगे चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो सन्नी रहेगी, 20 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 48% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच पे अभी तक टोटल 7 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे बॉलिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं बैटिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इस पिच पे डिफेंड में काफ़ी कम स्कोर लग सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे इजली वे में मैच चेस कर सकती है। तो ज़्यादातर टीम के लिए प्लस पॉइंट रहेगी कि टॉस जीत के बॉलिंग करें। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम पेशावर जालमी की बात करें तो नो डाउट स्टार्टअप से काफ़ी अच्छा फॉर्म में चल रही थी, बट पिछला मैच अपना हार के आ रही। वहीं अगर दूसरी टीम कराची किंग्स की बात करें, नो डाउट स्टार्टअप से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, बट पिछले मैच की बात करें तो पिछला मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिला। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे कराची किंग्स काफ़ी फॉर्म में आ चुकी है। तो दोनों के बीच में काफ़ी मैच इंटरेस्टिंग भी होगी, जबरदस्त भी होगी, आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम पेशावर जालमी के की प्लेयर की बात करें तो मोहम्मद हैरिस, बाबर आजम, सैम अयूब, वहाब रियाज। वहीं अगर दूसरी टीम कराची किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो मैथ्यू वेड, जेम्स विंस, इमाद वसीम, बेन कटिंग। तो ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए पेशावर जालमी हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।